अल्लाह 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 अल्लाह। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई नए घर में जाते हैं तो पहले कुरान शरीफ को खत्म रखिए। बिल्कुल बिदअत है। कुरान पढ़ना है तो खुद घर वाले बैठ के कुरान पढ़ो, लोगों को बुला के दिखाने की क्या जरूरत है। कहते हैं जी कि हमारे यहाँ क्रिकेट जीत जाए तो खुशी होती है, हार जाए सदमे ही फितरी बात है, तो नेचर बात है, ऐसे होता है। भाई मुझसे कहते हैं कि जी हम आपके साथ सेल्फी बना सकते हैं, मैं क्यों कहूँ, मैं गुना हमें क्यों शिरकत करूँ। मैं तो वीडियो वगैरह वो उसी को सिर्फ जायज समझता हूँ जो दीन के लिए इस्तेमाल हो, तबलीग के लिए इस्तेमाल हो, आगे दावत पहुँचाई जाए, वरना तो बेफायदा है। जो सहाबा को गाली निकाले कत्ल करना चाहिए, हमें कत्ल करने का कोई हुक्म नहीं। ये तो हुक्म अगर देगा तो बादशाह है वक्त देगा या अमीर मोमिनीन देगा। वो भैया कई दफा आपने लिखा है कि कोई इंजीनियर है मिर्जा है वो गालियां दे, अल्लाह उसको हिदायत देता है गालियां, उसके पास गालियां ही हैं तो अंदर से वही देखो ना, जो बर्तन में होगा वही निकलेगा ना, दूध होगा या पानी होगा, उस बेचारे के अंदर है ही गालियां भरी हुई, तो गालियां नहीं देगा तो क्या करेगा। दुआ करो अल्लाह हिदायत दे। जनादे के बाद जो दुआ है वो बिदअत है, अगर सुन्नत होती हजूर न करते। असल दुआ जो है वो जनादे वाली है, वही दुआ है, उसके बाद जो सुन्नत है वो कब्र पे खड़े होकर दुआ करें। हजूर ने फरमाया कि अल आन युसअल, अब उससे सवाल जवाब होगा, फसअलु लहु तस्बीह, दुआ करो अल्लाह उसको साबित कदम रखे। जो हयात का मुनकर है अल्लाह हिदायत दे। बहरहाल जमजम में दूसरा और पानी न मिलाए, हर चीज को कम से कम जमजम को तो एक नंबर रहने दो ना, हर चीज को दो नंबर क्यों बढ़ाते हो। मक्के के रहने वाले हज या तमत्तो नहीं कर सकते ना किरान कर सकते, क्योंकि किरान या तमत्तो उन लोगों के लिए ज़ालिक मल्लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, जो मक्के के रहने वाले न हों, बाहर से आए। औरतों को कब्रिस्तान में जाना मना है। एक ऐसा खाना खस में पता नहीं, बहरहाल औरतों को जाना मना है।